हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम फॉर कुक विद सुनीति। आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो हेल्दी भी है और झटपट तैयार भी हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे स्टफ पापड़ कॉर्न चाट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं नेम भी मेंशन करने वाली हूँ कल की विनर की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पापड़ कॉर्न चाट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉर्न बनाएंगे। तो कॉर्न बनाने के लिए हम लोग लेंगे पापड़। आप मसाले वाले पापड़ भी यूज़ कर सकते हो और प्लेन पापड़ भी यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग पापड़ को टोस्ट करेंगे इसी तरीके से, और जब वो एक साइड थोड़ा थोड़ा टोस्ट हो जाए ना, तब उसे टर्न कर लेंगे और इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। हमें हल्का हल्का प्रेस करके ही टोस्ट करना है, ज़्यादा उस पर प्रेशर ना लगाएं। तो ये हमारा दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो चुका है। अब हम पापड़ को किसी प्लेट या चॉपिंग बोर्ड में निकालेंगे और अब हम कोन बनाएंगे। तो कोन बनाने के लिए हम लोग पापड़ को कट करेंगे नाइफ़ की हेल्प से इसी तरीके से, और इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। पापड़ कोन बनाने में हमें ये ध्यान रखना है पापड़ हमारी ठंडी ना हो, नहीं तो वो फोल्ड नहीं होगी। और हम इसी तरीके से गर्म पापड़ में ही कोन बना लेंगे जल्दी जल्दी, और एक ग्लास या फिर कप में इसे होल्ड करने के लिए रख देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह होल्ड करेंगे, और ये आप देख रहे हैं अच्छे से हो चुका है सेट, और ये अब खुलेगा भी नहीं। तो सेम प्रोसेस में हम लोग सारी पापड़ कोन रेडी कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं पापड़ कोन के स्टफिंग रेडी करने। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे चना, और चना को हम क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे और इसे थोड़ा सा तेल में रोस्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है रोस्ट करना, आप चाहो तो बॉईल चना भी यूज़ कर सकते हो, और आपको और ज़्यादा हेल्दी खाना है तो आप ओवरनाइट सोख किया हुआ चना यूज़ कीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारे पानी रिलीज करेंगे और हमारा पापड़ सॉगी हो जाएगा जब हम पापड़ में स्टफ़ करेंगे। तो इसलिए हम कम कम क्वांटिटी में ही यूज़ करेंगे वेजीज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च दो, और धनिया पत्ता, क्योंकि चाट तो धनिया पत्ता के बिना अधूरा होता है, तो हम इसे ज़रूर मिलाएंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला पाउडर चटपटे फ्लेवर के लिए, और इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे सेब भुजिया। तो यहाँ पे मैं पूरा एक बोल यूज़ कर रही हूँ सेब भुजिया, और अब हम इन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपडेट करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो इसी तरीके से हमें अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच नींबू का रस। अब हम फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा टेस्टी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम पापड़ में स्टफ करेंगे। तो इसी तरीके से हमें स्टफ करना है। ये देखने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए और मुझसे अपना फीडबैक शेयर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। और आप मेरी रेसिपी ट्राई करके मुझसे पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम टाइम फॉर कुक विद सुनीति पे। और जब भी आप लोग पापड़ कॉर्न में स्टफिंग फील करें ना, तो इसे तुरंत सर्व कीजिए, नहीं तो पापड़ सॉगी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और आज मैं अपनी वीडियो में जिस पर्सन का नेम लेने वाली हूँ, उनका नाम है रश्मि गुप्ता एंड समायरा। तो शॉर्ट आउट टू यू गर्ल्स। और आप भी चाहते हो कि मैं भी आपकी नाम कॉल आउट करूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बस करना है मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब प्रेस दी बेल आइकन, एंड मेरे पूछे गए क्वेश्चन का राइट आंसर जो सबसे पहले देंगे, मैं उनका नेम मेंशन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन है, मैंने स्टफिंग में कितनी हरी मिर्च यूज़ की थी। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।